अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी उसका नाम है मोटू पतलू समोसे वाली मुर्गी। चलें स्टोरी सुनते हैं। एक दफ़ा मोटू और पतलू समोसे खाने एक होटल में जाते हैं। मोटू चाय वाले भैया को कहता है, चाय वाले भैया एक प्लेट समोसा और दो। चाय वाले भैया कहते हैं, अरे कुछ और भी खा लिया करो, जब देखो समोसे खाते रहते हो। इतने में दो आदमी और मोटू पतलू के साथ उनके टेबल पर आकर बैठते हैं। वो जेब में से अंडे निकाल कर टेबल पर रखते हैं। मोटू पतलू और दुकान वाले भैया ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। दुकान वाले भैया इनको कहते हैं कि अरे क्या कच्चे अंडे खाओगे, इधर दो तुम्हें पका कर दूँ। वो दोनों आदमी कहते हैं कि ये अंडे नहीं समोसे हैं। वो अंडों को तोड़कर दिखाते हैं, बीच में से समोसे निकलते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हम सब हमेशा यही समोसे खाते हैं, कि अंडे में से समोसे कैसे। पतलू मोटू को कहता है कि ये लोग तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, चलो चलो आगे बढ़ो। वो दोनों कहते हैं कि ये अंडे हमारी मुर्गी ने दिए हैं, वो रोज़ सुबह शाम और रात को खूब अंडे देती है और हम मुफ्त में दिन भर अंडों में से समोसे निकाल कर खाते हैं। मोटू कहता है कि ऐसी मुर्गी कहाँ मिलती है, हमें भी बताओ। दुकान वाले भैया कहते हैं, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरी दुकान बंद करवाओगे क्या, भागो यहाँ से। वो चले जाते हैं और मोटू और पतलू इनके पीछे भागते हैं। वो सारे एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। पतलू मोटू को कहता है कि अरे रुको, वो लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मोटू नहीं रुकता, उसके तो सर पर समोसे खाने की धुन सवार होती है, वो उनके पीछे भागता रहता है। वो दोनों अपने बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मोटू हमारा पीछा करता हुआ आ रहा है। मोटू इनके पास आकर एक दरख्त के पीछे छुपकर देखता है। वो दोनों अपने बॉस को कहते हैं, वो ऊंची आवाज़ में मोटू को सुनाने के लिए कहते हैं कि आपने जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी थी वो दिन रात सोने के अंडे देती है, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो चले जाते हैं। ये सब सुनकर मोटू जो दरख्त के पीछे छुपा होता है वो निकल कर बाहर आता है और कहता है, एक समोसे के अंडे देने वाली मुर्गी मुझे भी दे दीजिए। बॉस कहता है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें भी मुर्गी ज़रूर मिलेगी और ये आखिरी मुर्गी है और ये 1000 रुपये की मिलेगी। मोटू पहले तो बहुत परेशान होता है, लेकिन जब वो समोसों को सोचता है तो कहता है ठीक है। इसी समय में वो दोनों आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इनमें से एक कहता है कि मैं तुम्हें 2000 दूंगा, ये मुर्गी मुझे दे दो। दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें 4000 दूंगा और ये मुर्गी मुझे दे दो। मोटू उनको बुरा भला कहता है और कहता है कि ये मुर्गी मैंने खरीद ली है, तुम जाओ यहाँ से। वो चले जाते हैं। बॉस मोटू को मुर्गी देता है और कहता है कि ये मुर्गी तब सोने वाला अंडा देगी अगर तुम उसे समोसे वाला चारा समोसे वाली प्लेट में रख कर दोगे और समोसे वाले बाउल में पानी पिलाओगे और समोसे वाला किन इस्तेमाल करोगे। और ये सारी किट 10000 की है, लेकिन तुम्हें 5000 की मिलेगी। मोटू ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, ये नहीं 5000 का फ़ायदा। और ये कहकर झट से अपनी जेब से 5000 का नोट निकाल कर बॉस को देता है, मुर्गी लेकर चला जाता है। वो दोनों आदमी भी बॉस के पास दोबारा वापस आते हैं। वो तीनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने आज अच्छी तरह मोटू को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोर लिए हैं। ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।